नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज जैसा कि 4 जुलाई को एक स्टॉक लिस्टेड हुआ है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चूंकि आप सब जानते हैं, आज IndiaMART का स्टॉक NSE और BSE पे लिस्टेड हुआ है। और ये लिस्टिंग से पहले इसका IPO यदि आप गौर करेंगे तो 26% प्रीमियम के साथ ये लिस्टेड हुआ था। और IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ था ऑलमोस्ट 36 times हाई पे। तो आज का ये पूरा वीडियो IndiaMART के ऊपर ही है। आखिर IndiaMART का लिस्टिंग इतने हाई सब्सक्राइबर के साथ में क्यों हुआ, क्या रीज़न है और इसके आगे क्या परिणाम रहने वाले हैं, क्या ये एक मल्टीबैगर साबित होगा, क्या ये भविष्य में अच्छे रिटर्न के लिहाज से अच्छा स्टॉक माने जा सकते हैं या फिर कुछ और, इसी के बारे में आज का ये पूरा वीडियो है। तो कृपया शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले उन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ढेर सारे वीडियो पाना चाहते हैं फ्री में, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चूँकि हर रोज़ आपको एक नए स्टॉक से रूबरू कराया जाएगा और वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपको रिटर्न के मामले में अच्छे खासे पेशकश कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चूँकि बाज़ार में आज NSE पर IndiaMART का शेयर 21% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। NSE पर IndiaMART का शेयर 1180 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के लिए IndiaMART का इशू प्राइस जो था वो 973 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। लिस्टिंग के बाद NSE पर IndiaMART का शेयर 1338 रुपये तक पहुंचने में कामयाब हुआ। IndiaMART का इशू 24 से 26 जून के दौरान खुला था IPO। इशू प्राइस जो था उससे कंपनी ने उस प्राइस से कंपनी ने 475 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ था। अब इसमें IndiaMART का जो IPO था वो ओवर सब्सक्राइब होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसमें हमारे लिहाज से 4 बहुत ही अच्छे कारण हैं जो IndiaMART को ओवर सब्सक्राइब करने के लिए काफ़ी हैं। सबसे पहला तो हम बात करेंगे इस इंडस्ट्रीज की। चूँकि IndiaMART का जो इंडस्ट्री है वो KPMG की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल क्लासिफाइड मार्केट ने वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 22 के बीच लगभग 30% के CAGR में वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल के साथ B2B सेगमेंट द्वारा संचालित है। दूसरी ओर B2B खंड वित्त वर्ष 2022 तक लगभग 12 मिलियन को छूने का अनुमान है। इस बाज़ार का साइज केवल ऑनलाइन B2B वर्गीकृत वेबसाइटों से राजस्व प्राप्त होता है, जो अपने प्लेटफॉर्म पर व्यवसाय की लिस्टिंग, सर्च और ऑर्डर में शामिल होते हैं। हालांकि भारत में ऑनलाइन सर्च के बड़े बाज़ार को देखते हुए ऑनलाइन B2B वर्गीकृत प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़े संभावित वाले बाज़ार का प्रतिनिधित्व करता है IndiaMART। अगला जो सबसे अच्छा कारण है वो है कंपनी की हेवी पहुंच। चूँकि 1999 में दिनेश अग्रवाल ने केवल 40,000 की पूंजी के साथ इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज इंडिया का सबसे बड़ा B2B बाज़ार IndiaMART है, इसमें कोई शक नहीं है। 31 मार्च 2019 तक IndiaMART ने 82 मिलियन पंजीकृत बायर दर्ज किए, जिनकी भारत में
लगभग 5.55 मिलियन आपूर्तिकर्ताओं तक पहुँचे हैं। इन सेलर्स की 54 इंडस्ट्रीज में 60 मिलियन से अधिक उत्पादों और सेवाओं की सूची है। इसके अलावा कंपनी के पास लगभग 130,000 ग्राहक हैं जो अपनी पेड की गई सर्विस का उपयोग कर रहे हैं, और वित्त वर्ष 19 में 507 करोड़ रुपए का इन्होंने राजस्व भी कमाए हैं। इंडिया मार्ट के खरीदारों और सेलरों का विशाल और एक्टिव नेटवर्क इसे भारतीय B2B ई कॉमर्स क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। अगला कारण ये भी है कि इंडिया मार्ट अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच बनाने में कामयाब है। वर्तमान में देश में 51 मिलियन से अधिक MSME, जिनमें से KPMG का कहना है कि 10 मिलियन डिजिटल उपभोक्ता हर साल तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही, इंडिया मार्ट अपने ग्राहकों तक और अधिक पहुंच बनाने में लगा हुआ है। और KPMG की रिपोर्ट में कहा गया है, स्थानीय बाजार पहुंच से परे ग्राहक आधार तक पहुंच को सक्षम करने और प्रतिनिधियों की बेहतर जानकारी और उनके हेल्प के रूप में ऑनलाइन एडिंग के लाभ ऑनलाइन क्लासिफाइड की मांग को बढ़ा सकता है। इंडिया मार्ट की एक और खासियत है कि वो अपने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है और डिजिटलाइजेशन पे उसके पूरी पकड़ है। इंडिया मार्ट की मोबाइल वेबसाइट और ऐप का कुल ट्रैफिक 70% से अधिक है, और कंपनी वित्त वर्ष 18 में 396 मिलियन से अधिक इसकी ट्रैफिक जाम देखी गई। SMC अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इंडिया मार्ट ने अपने मोबाइल ऐप में लीड मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन, यूजर इंटरफेस और नोटिफिकेशन को और विकसित करके त्वरित संदेश, GPS स्थान क्षमताओं, वॉइस सर्च तकनीकों और अन्य व्यक्तिकरण सुविधाओं के माध्यम से प्रदान की गई ग्राहक सेवाओं को एकीकृत करके अपने निवेश को जारी रखने की योजना बनाई है। इंडिया मार्ट बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अपने प्लेटफॉर्म को और अधिक विकसित करने के लिए अपने मार्केट प्लेस पर आपूर्तिकर्ताओं और सेलरों के व्यवहार को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अनुकूलन करता है। तो ये चार खास बात थी जो इंडिया मार्ट को ओवर सब्सक्राइब करने के लिए पर्याप्त बनाती है। तो कैसा लगा आज का ये आपको वीडियो, कृपया बताना ना भूलें। और मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, क्या ये एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है? चूँकि इसके पास अपार संभावनाएं हैं, तो अपना सुझाव कमेंट में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।